इस घटना की निंदा करते हैं। और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है तो देखिए ये कहां का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करें, कार्रवाई करके पुलिस ही यहां का जांच करे, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहां का न्याय है। तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हमको कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का तूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। सर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है के साथ साथ सबका भाजपा वालों का नहीं, देखिए पीड़िता का इनका भी करा लेना, और इसका समर्थन करता हूँ मैं। अमन पांडे ने कहा नार्को टेस्ट करा लें, और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। संजय मान लीजिए अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें जी, यही फिर उसमें दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं तो राजनीति जो ऐसा घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए केवल ये उस वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का उपचुनाव, अब हारे हैं जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इसका फायदा आप देखते हैं उपचुनाव में बीजेपी लेना के लिए सब कर रही है? लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं, जहां जहां चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं तो वो ही नहीं, इनके मन में जो टीच है तो उसकी वजह से इसी तरीके से तूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें, जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें, इस तरीके की घटना करा करके ये कार्रवाई करेंगे, दंड भी देंगे, ये कहाँ तक है। सर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है अभी ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अभी कि समाजवादी पार्टी हमेशा बलात्कारियों का समर्थन ही करती है, फितरत ही ऐसी है। समाज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा अपराधी कोई नहीं है, ये तो कब्जा तो कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो कर रहे हैं। और जो देखिए लखनऊ में घटना हुई है तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल दो ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सबके साथ होना चाहिए। मैं तो जो समाजवादी पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है उसका समर्थन करता। उनका ये भी कहना है कि अगर यहीं कोई मुसलमान होता तो पूरी सैफी परिवार खूंटा गाड़ देता उसको बचाने के लिए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह के, क्या हम ये जो मुख्यमंत्री हैं क्या एक वर्ग के हैं मुख्यमंत्री हैं? एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो पूरे जनता के मुख्यमंत्री हैं जी। ऐसा इस तरीके का गलत बयानबाजी अगर कोई मुख्यमंत्री करे उसे तो पूरा न्याय देना चाहिए ना, ये तो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है तो क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते? सबके साथ उस घटना में तो बहुत लोग थे,
तो दो ही पर कार्रवाई क्यों, सब पर हो कार्रवाई। और हम बिल्कुल इस बच के नहीं है, जो अपराधी है जिन्होंने घटना घट की है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी वर्ग को लेकर के बदनाम करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, हर वर्ग के हैं मुख्यमंत्री। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।